अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट से डेली की शक्ल में अर्निंग, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ ऐसे कॉइन्स और ऐसी एक स्ट्रेटेजी जिस पे अगर आप अमल करते हैं तो ये सीक्रेट ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपके पास मौजूद है एक नॉर्मल सा कैपिटल तो हकीकतन आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मोस्टली एक ही कंप्लेंट मुझे सुनने को मिलती है कि ज्यादातर लोग वीडियो देखते हुए सिर्फ उन कॉइन्स का नाम सुनते हैं और उन्हें सर्च करना शुरू कर देते हैं और मिस क्या कर देते हैं, वो पॉलिसी जिसकी बेस पर मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप उस पॉलिसी को यानी कि उस स्ट्रेटेजी को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप उस कॉइन से कभी भी अर्न नहीं कर सकते। जहन में रखिएगा कि ये जो कॉइन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये कोई अनोखे कॉइन नहीं है, ये वही कॉइन है जो मार्केट में आम रूटीन में पाए जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं मोस्टली आपसे वही कॉइन्स शेयर करता हूँ जिनके पीछे एक थ्योरी होती है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक कंपनी होती है। कभी भी मैंने आपसे फेक कॉइन्स, शिट कॉइन्स और खास करके पेड प्रमोशन के कॉइन मैंने आपसे कभी शेयर नहीं किए। तो दोस्तों, डेली अर्निंग के लिए ये कॉइन आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले वक्तों में क्रिप्टो की मार्केट की हर न्यूज़, रिव्यूज और प्रोजेक्ट के बारे में खबर मिलती रहे और जितनी भी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में क्रिप्टो को लेकर के आ रही हैं, तो आपने बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करना है और साथ ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो सके। तो दोस्तों, सीक्रेट ट्रिक और अर्निंग के लिए बढ़ते हैं जल्दी से उन कॉइन्स की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप करना चाहते हैं क्रिप्टो की मार्केट से डेली की बुनियाद पर अर्निंग, तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। ज़हन में रखें कि हर काम के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी होती है। तो मैं जो आपसे इस वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, उस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा कि पहला कॉइन हम जो आज डिस्कस करेंगे डेली अर्निंग के लिए, उसका नाम है एवेक्स यानी कि एवलांच। रैंक है 12, बाय करने को ये मिलेगा आपको 69.74 सेंट में। हम इसके अगर 24 घंटों के हाई और लो की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने हाई 73.44 सेंट का लगाया है और लो है इसका 69.21। दोस्तों, कोई भी ऐसा कॉइन जिसे हम बाज़ुकात अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके भूल जाते हैं, हम मिस कर देते हैं कई ऐसे मौके जिससे हमें डेली की बुनियाद पे भी प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन हमने ठान ली होती है कि हम सेल ही तब करेंगे जब तक ये कॉइन आसमान की बुलंदियों को नहीं छूलेगा। तो लिहाजा इस वीक में आपके लिए लेकर आया हूँ जो टॉप 5 कॉइन्स, उनमें से एक कॉइन है एवेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऐसा कॉइन जब फ्लक्चुएशन करने लग जाता है तो वो देता है सबसे ज़्यादा डेली अर्निंग के लिए फ़ायदा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि फ्लक्चुएशन ही इस बात के ऊपर अमल दरामद होती है, एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या वो फ्लक्चुएशन डेली की बुनियाद पर हो रही है। तो अब हम बात करेंगे एवलांच के बारे में कि इसने हमें एक वीक में 71.1 से लेकर 75 तक का हाई दिया और आपके सामने ये हमें एक वीक में 3 टाइम प्लस देता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, ये आपको डेली की बुनियाद पे प्रॉफिट देता है। दूसरी बात आपको बताता चलूं इससे पहले कि हम अगले कॉइन की तरफ चलें, ये वो प्रोजेक्ट हैं कि अगर बिलफर्ज आप कहीं भी यहाँ पर स्ट्रक हो जाते हैं डेली अर्निंग करते करते, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम कॉइन्स अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए भी इंतहाई सुपर्ब हैं, लेकिन ये आपको पिछले काफ़ी दिनों से दे रहे हैं एक अच्छा पैसिव इनकम डेली की बुनियाद पर। तो आपने क्या करना है, इसमें एंट्री ले लेनी है जैसे ही ये 24 आवर के सबसे लो पॉइंट पे आपको बाय करने को मिले, यानी कि 69 पर ये आपको अभी देखने को मिल रहा है, ये आपको 65 पे देखने को मिलता है, तो आपने बाय कर लेना है और उसके बाद अपनी ट्रेड शुरू कर देनी है। अब बढ़ते हैं जल्दी से सेकंड वन कॉइन की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, सेकंड वन कॉइन्स मैंने आपके लिए ओपन कर लिया है जिससे आप डेली अर्निंग कर सकते हैं। उसका रैंक है 17, नाम है CRO Crypto.com, कॉइन का पूरा नाम है। बाय करने को अगर बात करें तो ये आपको 0.43 इस वक्त सेंट में बाय करने को मिल जाएगा, और अगर हम इसकी फ्लक्चुएशन की बात करते हैं तो ये 1 वीक में बहुत ही अच्छी फ्लक्चुएशन करता है, हाई भी लगाता है, लो भी देता है, और इस दरमियान आपने इसके लो को फॉलो करना है, लो पे बाइंग कर लेनी है,
हाई पे आपने सेल कर देना है। ये कॉइन मैंने आपसे क्यों शेयर किया है उसकी मैं आपको एक वजह बता देता हूँ कि जैसे मैंने एवेक्स आपसे शेयर किया, बाज़ुकात एक इंसान $70-65 खरीदने की पसली रखता है, लेकिन ये है सेंट्स में अवेलेबल। कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि $70 सभी के पास मौजूद नहीं होते, तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा 3 अदद अंडर वैल्यू कॉइन शेयर करता हूँ और 2 हमेशा टॉप 5 वाली वीडियो में ऐसे कॉइन्स जो सभी खरीद तो नहीं खरीद सकते लेकिन वो खरीद सकते हैं जिनकी जेब जो है मजबूत है। तो लिहाजा दोस्तों अगर आपकी जेब कमज़ोर है तो आप इस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आपको अवेलेबल है सिर्फ 43 सेंट में। आपने सिर्फ $10 का इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेना है और जैसे ही आपको $10 के साथ $3-5 का प्रॉफिट हो आपने इसे सेल करके फौरन इस कॉइन में से निकल आना है। और ध्यान में रखिएगा कि मैं हर वीक आपसे जो नए कॉइन शेयर करता हूँ डेली अर्निंग के लिए उनका टाइम टेन्योर सिर्फ 1 वीक तक होता है। आफ्टर वीक उन कॉइन्स की सूरत हाल बदल जाती है क्योंकि अब ये जो 5 मैं आपसे कॉइन शेयर कर रहा हूँ ये नेक्स्ट वीक के लिए टॉप आइडियल कॉइन है डेली अर्निंग करने के लिए। अब बढ़ते हैं जल्दी से 3rd कॉइन की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन द 3rd कॉइन, यानी कि 49th रैंक का कॉइन हारमनी मैंने ओपन कर लिया है। ये वो कॉइन है दोस्तों जिसे आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, शॉर्ट टर्म के लिए करें, अर्ली ट्रेड करें, वीकली करें या डेली करें, हर चीज़ के लिए ये कॉइन सुपर्ब है और इस वक्त ये आपको 19 सेंट में बाय करने को अवेलेबल है। अगर हम करें इसकी बात फ्लैक्चुएशन की तो ये तकरीबन 32 सेंट तक ये फ्लैक्चुएट करता है और रिसेंटली तो इसने 35 सेंट तक का हाई लगाया। अभी आपको अवेलेबल है ये 19 सेंट में, मार्केट क्रैश कर चुकी है जिसकी वजह से ये आपको इससे भी लो डाउंस में अवेलेबल था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी अफादियत की, वो ये है कि ये कभी भी आपको बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने करनी है डेली की अर्निंग तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें सिर्फ और सिर्फ $10 में और ये आपको एक नहीं तो दूसरे दिन $10 के साथ $4-5 डेली की सूरत में छोड़ के जाएगा। आप इसका एक्सपीरियंस ऐसे कर सकते हैं कि आपके सामने मैंने इसका चार्ट ओपन कर रखा है, ये 1 वीक में ही आपके सारे जो हैं नुकसान पूरे कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने $50 का भी बाय कर रखा है तो अभी फ़िलहाल मैं इसका 1 मंथ के चार्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी इसे मैं इतना स्टडी कर चुका हूँ कि मैं खुद इससे पास्ट में भी, यानी कि पास्ट से मुराद के चंद दिन पहले पीछे की बात करें तो मैंने इससे खुद अर्न भी किया क्योंकि हारमनी देता है आपको हर टाइम हर मौसम में अच्छा खासा प्रॉफिट। तो दोस्तों इसे पोर्टफोलियो में अपने ऐड करना मत भूलिएगा। अगर आपकी रेंज ज़्यादा है तो भी $100 की इसमें ट्रेड ज़रूर लें और अगर आप समझते हैं कि आपको अभी से बाय नहीं करना तो इसे 15 सेंट के आइडियल टाइम फ्रेम में बाय करके आप कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। अब बिना देरी के बढ़ते हैं 4th कॉइन की तरफ। 4th कॉइन मैंने ओपन कर लिया है डियर व्यूवर्स, सिर्फ आपकी डेली अर्निंग के लिए। रैंक है इसका 126, पूरा नाम है इसका डॉज लोन मार्स, यानी कि कोडवर्ड है इसका लोन। जेन में रखिएगा ये जो मैंने 5 आपसे कॉइन शेयर की हैं 3 इसमें से आपको बाइनास पे अवेलेबल हैं, बाकी 2 आप OKX पे बाय कर सकते हैं, हॉटबिट पे, यूनिस्वैप पे, कहीं पर भी आप इजीली जाके बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने इस कॉइन में लोन में एंट्री कैसे लेनी है। तो दोस्तों अपने जेन में रखिएगा कि ये अभी आपको अवेलेबल है 6089 में, आपने इसमें एंट्री ले लेनी है 6080 में। ये अक्सर 1 वीक में डाउन रहता है, 2-3 दिन मुसलसल डाउन रहता है और 3 दिन हाई रहता है। अब कौन से वो दिन है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये इसकी आज की नहीं, तकरीबन बड़ी पुरानी रूटीन है और जो शख्स क्रिप्टो में भी किसी कॉइन की रूटीन को फॉलो कर लेता है तो वो रहता है फ़ायदे में। दोस्तों ये 1 वीक का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टाइम पे ये आपको 6075 में अवेलेबल था, फिर ये आपको आज अवेलेबल है 6089 में और ये आपको 1 वीक में जब डाउन दिखाई देता है 6070 में या 6075 में तो एक मरतबा ये आपको फ़ायदा देता है 6089-6095 तक का। अब क्योंकि मैं इसकी ऑल टाइम चार्ट में नहीं जाना चाहता, वीडियो को इंतहाई शॉर्ट बनाना चाहता हूं, तो आप इस कॉइन से भी डेली की बुनियाद पर अर्निंग कर सकते हैं। फिर से आपको एक मतलब इंडिकेट कर दूं कि इन 5 कॉइन में से किसी भी एक कॉइन में अगर आप कभी डेली अर्निंग करते करते स्ट्रक हो जाते हैं आपने पैनिक नहीं होना, उसे ग्रैब करके अपने पोर्टफोलियो में पड़े रहने देना है। वो कॉइन एक टाइम पे आपके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी रिस्पेक्ट बन के आपके सामने आएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अब बढ़ते हैं लास्ट कॉइन की तरफ।
जो अगर आपकी रेंज ज्यादा है तो आप डेली की बुनियाद पे $30 से $35 अर्न कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन के इंक्लूड होते होते पिछले दिन में आप $30 डेली अर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं उस कॉइन की तरफ। कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो क्रिप्टो में काम करे और BNB कॉइन को ना जानता हो। रिसेंटली मैं ये कॉइन आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड कर चुका हूँ, और जब मार्केट क्रैश कर चुकी थी और ये 310 पे अवेलेबल था तब भी मैंने आपको ये रिकमेंड किया कि आप इसे मार्केट के क्रैश में बाय करें। मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करेगी तो ये रिकवर करेगा। तो देख लें आज ये $74 प्लस में अवेलेबल है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं इसी कॉइन को लेकर जो मैं आपको मिथ बताने लगा हूँ, यानी कि स्ट्रेटेजी हम आज तय करेंगे इस वीक के लिए जो अब शुरू होने लगा है। खैर से उसमें आपने इसमें एंट्री कैसे लेनी है, तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके 22 से 23 घंटे की ट्रेड देख लें। 381.68 सेंट का इसका लो था और $396.77 का इसका हाई था। अब आप खुद सोचें कि आपने इस दरमियान $15 अर्न कर लिए किसके साथ, सिर्फ 370 और $80 के साथ डेली की ट्रेड। अब $15 को आप अगर मल्टीप्लाई करें 30 डेज के साथ तो ये आपके $450 पर मंथ के बनते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी, बर्बादशुदा इकोनॉमी को अगर आप ज़रब मारें $450 के साथ तो ये आपने तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपया आसानी से अर्न कर लिया। तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, 65-70 ना हो, 50-55 तो आप कंफर्म अर्न कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके वीकली चार्ट की, जो इसने पिछले एक माह से नहीं तकरीबन 6 माह से इसकी ये रूटीन है, लेकिन लोग BNB को उस तरह सीरियस नहीं लेते जिस तरह के मैं पर्सनली खुद भी लेता हूँ और मेरे नज़दीक हर शख्स इससे अर्न करता है। दोस्तों ये सबसे पहली और आसान बात तो ये है कि ये बाइनांस पे आपको अवेलेबल है। जो आपको मेन प्रॉब्लम का सामना रहता है वो है कि ये बाइनांस पे है कि नहीं। तो दोस्तों ये लास्ट वीक का चार्ट ओपन किया है मैंने। अगर आपके अंदर बाय करने की थोड़ी सी भी सकत है तो BNB में प्ले करें, डेली अर्न करें। मैं आपको ये कॉइन हर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, हर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में इसकी डिफरेंट मिथ है, सिर्फ क्या बदल जाता है, सोचने का तरीका। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पूरे वीक में आपने इसकी फ्लैक्चुएशन देख ली है कि ये लो लगाता है सबसे ज़्यादा 338 का और आज आपको सेल करने में भी ये छोड़ जाता है $45। लेट सपोज आपने पीर वाले दिन ये बाय किया, आप फंस गए, और अगर आप आज सेल करते हैं तो फिर भी आप $50 अर्न करके जो पाकिस्तानी तकरीबन 9.5-10 हज़ार बन जाता है। अब बात करते हैं क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, इसमें एंट्री आपने कब लेनी है। जहन में रखिएगा कि ये आपको जब भी $350 में अवेलेबल हो आपने बाय करके इसे सेल करना है, जैसे ही आपको प्रॉफिट $15 से $20 का मिले। एक और चीज़ जहन में रखिएगा, ये पांचों कॉइन जैसे ही मार्केट बूस्ट करेगी तो भी आपको प्रॉफिट देंगे। ये तो अभी मार्केट की हालत बड़ी अजीब है, मतलब पूरे वीक में आज जब आपसे क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो शेयर करता हूँ तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी 37 और 38 में तरद्दुद का शिकार है, लेकिन इसके दरमियान भी ये आपको फ़ायदा दे रहे हैं, और अगर मार्केट यहाँ से बूस्ट कर जाती है तो आपके वारे न्यारे भी हो सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो से अर्न करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।